हेलो बच्चों, पीजीपीएस ग्लोबल स्कूल में आपका स्वागत है। मैं गायत्री राजन आपको एक कहानी सुनाऊंगी, बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। चलिए पढ़ते हैं। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी, लेकिन वहाँ वह खुश नहीं थी। बहन, ओ आई आई भैया आई आ गई, मेरे खाने का वक्त हो गया। तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। हूँ, आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, बाप बह परोसो, आह मजा आ गया, पेट भर गया। बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया। लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत सारे जानवर आए। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, लेकिन ठीक तभी, बहन नाश्ता बना कर सबको दो, जाओ जल्दी करो। भैया, घर में आग तो है ही नहीं, तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। सो बिल्ली भागी झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। वहां देखो, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। कितनी मुलायम और रेशमी, जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही। मुझे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं मिला था। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। यह शेर की दहाड़ थी। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल गई, कैसे गई। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। शेर ने गरजना शुरू किया। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव भागी। देखो बिल्ली वापस आ गई, जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। हाँ, हमारे पास रहो नन्नी मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाऊंगी ना, कभी नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। धन्यवाद, हमारी कहानी खत्म होती है।